चिप गए कृष्ण मुरारी। गाइस, बहुत सारे लोगों को म्यूजिक का शौक होता है, बट म्यूजिक की प्रैक्टिस करने के लिए तो रियाज करना पड़ता है ना। तो बहुत सारे लोग जो है इंस्ट्रूमेंट नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं खरीद सकते, तबला तानपुरा ये सब नहीं खरीद सकते। तो आज आप अपने फ़ोन में ही तबला तानपुरा प्ले कर सकते हैं। 10 से ऊपर ताले इसमें अवेलेबल हैं, और भी ताल आप ले सकते हैं, कैसे लेना आगे बताऊँगा। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये एप्लीकेशन हो सकता है जो लोग म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पर रियाज कर सकते हैं अपने स्केल के साथ, अपने टेम्पो के साथ। मैं खुद भी करता हूँ कभी कभी, हालांकि मेरे पास हारमोनियम है बट मैं फिर भी कर लेता हूँ। इसमें तबला और तानपुरा के साथ आप रियाज कर सकते हैं। तो किस तरह से इस एप्लीकेशन का यूज़ करना है पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, और ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। बट हाँ, अगर आपको इसमें और ताल्स खरीदनी है तो आपको इसको परचेज करना पड़ेगा। ज़्यादा महंगा ये बिल्कुल भी नहीं है, 100-200 तक का होगा सिर्फ, तो ज़्यादा महंगा नहीं है। फिर आप सारी ताल्स एड्स फ्री से यूज़ कर सकते हैं। तो म्यूज़िक लवर्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, और इस वीडियो को आप भी पूरा देखिएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और सभी के साथ शेयर कर दीजिए म्यूज़िक लवर्स के साथ। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कीजिएगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। कम्युनिटी टैब को भी चेक करते रहे, वहाँ पर आज की पोस्ट आ चुकी है, आप किसी भी तरह का सवाल वहाँ पर पूछ सकते हैं। सवाल नहीं पूछ रहे आप लोग, सवाल पूछो, व्हाट्सएप पर मत पूछा करो, व्हाट्सएप पर जवाब मिल नहीं पाते तो कमेंट टैब में पूछो। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, एप्लीकेशन का नाम है रिदम फ्री, और ये एप्लीकेशन बहुत ही ईजिली आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। सर्च करना है रिदम फ्री, पहले ही एप्लीकेशन मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी नहीं मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप मुझसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर इस एप्लीकेशन को मांग सकते हैं, आपको भेज दिया जाएगा। और मेरी टेलीग्राम आईडी है paras2007। तो अब हम चलते हैं और रिदम फ्री में। तो ये रही, तो अभी ओपन हो रही है, देखते हैं। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आपको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की परमिशन देनी है। तो यहाँ से आप सेटिंग्स में भी जा सकते हैं और डायरेक्ट डिसेबल कर सकते हैं, तभी अच्छे से चलेगी, परमिशन देना जरूरी है। तो फिलहाल हम जो ओके कर देते हैं। तो अभी सेटअप कंप्लीट हो रहा है, ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर अभी गया है रिदम विद तबला फ्री। इसकी कुछ सेटिंग्स, कुछ ही सेटिंग्स है, ज्यादा सेटिंग नहीं है। सेटिंग में कुछ छेड़छाड़ करनी है, चेक करते हैं सेटिंग्स। तो जो वाइब्रेशन है वो हर एक बीट पर होना चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट टिक रहता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो ऑफ कर सकते हैं, जैसे धा, दिन, दिन, धा, इन सब पर वाइब्रेट होना चाहिए अगर आप इसे टिक रखेंगे तो, नहीं तो ऑफ भी कर सकते हैं। मुझे पसंद नहीं है, मैंने ऑफ कर दिया है। ये कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, ठीक है। जो सेटिंग्स करने लायक है वही आपको बताऊंगा। तो यहाँ से भी आप, तो यहाँ से भी आप बैटरी ऑप्टिमाइजेशन परमिशन दे सकते हैं। मेल अस, रेट अस, बस यही सेटिंग है, ठीक है। तो आपको बस सेटिंग्स में वाइब्रेशन ही ऑन ऑफ करनी है और कुछ छेड़ना नहीं है। तो अब हम आगे देखते हैं मेन चीज। तो अब यहाँ पर 10 तालें तो आपको फ्री मिलती हैं, जो मेन ताल होती है, जैसे रूपक ताल, 3 ताल हो गई, और भी हम आगे देखेंगे। तो 10 तालें आपको यहाँ पर फ्री वर्जन में मिलती हैं। अगर आपको और एक्सटेंड करनी है तो आपको इसको खरीदना पड़ेगा, ज़्यादा महंगा ये नहीं है। इंस्ट्रूमेंट जितना लेते हो उससे तो कम से कम सस्ता ही है, बहुत सस्ता है, 200 तक का मिल जाएगा। तो वैसे भी ये जो ताल्स मिल रही हैं उन्हीं पर ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है, उन्हीं पर राग गाए जाते हैं, तो ठीक है, फ्री भी चल जाएगा काम आपका। तो यहाँ से ताल सिलेक्ट करनी है, इसमें से आप किसी भी ताल को फेवरेट में भी ऐड कर सकते हैं, अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ से आप प्रीमियम ले सकते हैं, ठीक है, ऑल 10 सिलेक्टेड। यहाँ पर प्रीमियम पर एक बार जाके देख लीजिए। ठीक है, एड्स भी रिमूव हो जाएंगी। देखिए, फ्री खरीदने के बाद आपको 60 प्लस ताल्स मिल जाएंगी। Change scalability to select and change scales. More tanpuras you will get the option to choose between 18 tanpuras. तो तानपुरा भी इसमें आप
चेंज कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए एक ही तानपुरा चलेगा फ्री वाले में, बट खरीदने के बाद आपके पास 18 प्लस तानपुरा आ जाएंगे। ठीक है, बस वन टाइम पेमेंट करना है और हर एक एंड्रॉइड डिवाइस में ये लाइफ टाइम चलेगा। बाय नाउ कर सकते हैं। ठीक है, गूगल प्ले अकाउंट से लिंक हो जाएगा। तो बाय नाउ तो खैर अभी नहीं करते हैं, मैंने आपको इसके फीचर्स बता दिए, प्रीमियम में क्या क्या मिलेगा तो आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर दो टैब है, तो ऑल, उसके बाद फेवरेट्स। अब मान लीजिए तीन ताल ज़्यादा यूज़ की जाती है रियाज वगैरह करने के लिए या प्रैक्टिस राग वाग गाने के लिए, तो आप यहाँ पर उस तीन ताल को फेवरेट में भी ऐड कर सकते हैं। फिर आपको इनमें कन्फ्यूज नहीं होना पड़ेगा, डायरेक्ट आप फेवरेट पर क्लिक करेंगे वो ताल आपको मिल जाएगी। फेवरेट में कैसे ऐड करना है आगे देखेंगे। बाय डिफॉल्ट ये ऑल पर सिलेक्ट रहता है। यहाँ पर 10 ताल्स यहाँ पर आएंगे, देखते हैं कौन कौन सी है। यहाँ पर ये 14 मात्रा की है और ताल का नाम, यहाँ से क्लिक करके आप फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। अभी हम तीन ताल को फेवरेट में ऐड करेंगे। एक ताल है ये जब ताल, कहरवा, रूपक ताल है, तीन ताल है बस। ठीक है, अब मोर ताल चाहिए तो आपको प्रीमियम खरीदना पड़ेगा, तो 10 ताल यहाँ पर आपको फ्री में मिलती है। तो इतने ही ऑप्शंस है, तो आपको जो भी ताल चाहिए सबसे पहले आपको जो मेन ताल चाहिए उसे फेवरेट में ऐड कर लीजिए। मैं तीन ताल को ऐड कर रहा हूँ, कर दिया, बस उस पे फेव पे क्लिक करना था, वहाँ पर ऐड हो जाएगा। अभी ये फेवरेट में आ गए, यहाँ पे क्लिक करके आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑल में चलते हैं। अब यहाँ पर तीन ताल पर क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शंस आ गए, यहाँ से नेविगेट अप, तीन ताल, 16 मात्रा की ताल है ये। सेटिंग्स यही वाइब्रेशन वाली सेटिंग्स है, देख लेते हैं फिर। ठीक है, ये सेम सेटिंग है तो नहीं देखते। अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बातें ये हैं, अभी यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, अभी आपको ये बता रहा है कि आपका सब कुछ कितना है, स्केल, टेम्पो, चेंज यहाँ से नहीं होगा। चेंज कहाँ से होगा, आगे से होगा वो। ठीक है, जो स्केल है वो सी शार्प पर है अभी, तानपुरा, केरज वाला तानपुरा इसने बाय डिफॉल्ट जो प्रोफेशनल होता है वो है। इसमें एक ही तानपुरा यूज कर सकते हैं फ्री वाले में। 120. तो यहाँ पर ये स्पीड और पिच आ रही है। ठीक है, टेम्पो, अब यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं स्केल के आगे सी पाउंड पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ताल है वो आपको आगे धा दिन दिंदा, तो ये है ताल। यहाँ पर टॉकबैक ने भी बता दिया है, स्केल वैसे यहाँ से चेंज होता नहीं है। ठीक है, सॉरी, आगे बताऊंगा कहाँ से होता है, मैं बहुत भूल गया थोड़ा थोड़ा, है ना। हाँ, यहाँ से अब आपकी शुरुआत होती है। सबसे पहले आप यहाँ से वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं दोनों का, तानपुरा और तबले का। तबले का वॉल्यूम हम 60 है ना, तो हम 50 कर लेते हैं। तो यहाँ से आप जितना भी वॉल्यूम करना चाहो वो कर सकते हो। तानपुरा का वॉल्यूम 15 है, तो इसे भी हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 25 कर लेते हैं, तो हो चुका है। तो यहाँ पर बता रहा है आप वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, ओके कर दिया। अब यहाँ से आप टेम्पो एडजस्ट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, वॉल्यूम के बाद है टेम्पो। तबला का टेम्पो कितना होना चाहिए, 120. तो ये बहुत ज़्यादा है। अब आपको जो स्पीड बढ़िया लगती है, आप एक काम भी कर सकते हैं, प्ले करते करते भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से एक एक करके डाउन भी कर सकते हैं अगर आप सीट कंट्रोल से नहीं करना चाहते। तो ये 14 है ना, मैं 9 कर लेता हूँ, 9 कर लिया मैंने, और आप चलिए 10 कर लेते हैं। तो यहाँ से आप अप कर सकते हैं और यहाँ से डाउन कर सकते हैं। ये एक एक करके डाउन अप होगा और यहाँ से डायरेक्ट सीट कंट्रोल भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्पीड भी आ रही है 2x प्लस 5 माइनस 5, तो यहाँ से भी आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर 8 पर हो गया है, 8 पर। ठीक है, ठीक है, यहाँ से भी आप 2x वगैरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है, सीट कंट्रोल वाला एक्सेसिबल है, वही बेटर है। अब तानपुरा का यहाँ पर टेम्पो है 80 पर है ये, यहाँ से भी आप इसको जितना रखना चाहो वो रख सकते हो। इसको मैं जो है इतना ही रखूँगा। यहाँ पर भी सेम ऑप्शन है, तो ये 33 पर है,
सीट कंट्रोल 33 पर है और परसेंटेज 80 पर है, तो मैं इसे इतना ही रखूंगा। मैं ओके कर देते हैं। तो वहाँ पर आपको बता रहा था मूव वगैरह करने के लिए इस तरह से एडजस्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप टेम्पो और वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ी समझने वाली ऐप है ये, तो आप सही से देखिए, मतलब पेशेंस बनाकर देखिए वीडियो। अब ट्यूनर, अब यहाँ से पिच भी ट्यूनर कर सकते हैं। एक तो स्केल होता है, एक पिच होती है, तो आप पिच भी ट्यूनर कर सकते हैं। पिच डाउन बटन, स्लाइडर पोजीशन 50। तो मैं यहाँ पर जो है बहुत कम कर लेता हूँ, मेरी पिच थोड़ी नीचे है। तो ये तो भाई अगर आपकी वॉइस के ऊपर है, जो गर्ल्स की वॉइस होती है उस पर तो थोड़ी ऊंची पिच लगती है, और जो बॉयज की होती है उसमें थोड़ा नीचे लगता है। तो ये तो आपकी वॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, जिस हिसाब से आप यहाँ पर पिच सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैंने 9 कर ली है फिलहाल, अभी पता नहीं सही है या नहीं, मेरे को चेक करना पड़ेगा, तो देखते हैं। अगर सही ना हुआ तो मैं वीडियो पॉज करके अच्छे से ये सब एडजस्ट कर लूँगा, फिर आपको हम एक डेमो भी दिखाएंगे रियाज करने का, किस तरह से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, और ये सब कुछ आप प्ले करते करते भी एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मीडिया वॉल्यूम लो कर लीजिए और टॉकबैक का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, तो आपको अच्छे से सुनाई देगा। तो आप प्ले करते करते भी एडजस्ट कर सकते हैं, आपको और जो है ये कंफर्टेबल फील होगा। ये फिर से बता रहा है, ये आपको आगे टिप भी देता है कि किस तरह से करना है। तो आगे बस अब आप प्ले कर सकते हैं, लास्ट ऑप्शन है प्ले। चलिए देखते हैं प्ले करके। तो अब ये हमने जो एडजस्टमेंट किया इस तरह से चल रहा है, स्केल नीचे हो गया बहुत। सारे पाधा नी धा मे सा। तो यहाँ पर जो स्केल है वो नीचे हो गया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आवाज बढ़ाता हूँ, वॉल्यूम फुल भी कर सकते हैं हम। रुकिए, वॉल्यूम फुल करते हैं, पॉज किया है मैंने, बहुत अच्छा फील आ रहा है ये, ठीक है। मेडिटेशन करने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं, अपने स्पीकर वगैरह में कनेक्ट करके। वॉल्यूम बढ़ाते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पर, 50 है ना, 100 कर रहा हूँ मैं, 100 कर रहा हूँ दोनों का। तो 100 हो गया, अब आएगा मजा। तो अब जो है मैं यहाँ पर वॉल्यूम एडजस्ट कर लिया है मैंने, अब मैं यहाँ पर अपना पिच वगैरह सब एडजस्ट करता हूँ, तब तक रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ। आपको एडजस्ट किस तरह से करना है ये मैंने बता दिया है, तो मैं एडजस्ट करता हूँ, फिर कुछ गाते हैं, चेक करते हैं कैसा जो है यहाँ पर काम हो रहा है। एक बात बताना चाहूँगा, स्केल और पिच दोनों अलग अलग नहीं है, मुझसे मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, दोनों ही सेम है। अब जहाँ पर सी पाउंड आ रहा था वहाँ पर सी पाउंड -89 आ रहा है, तो यहाँ पर पिच ही आपको एडजस्ट करनी है, स्केल वहीं पर अपने आप एडजस्ट होता रहेगा। तो अब हम प्ले करते हैं। Stop recording. Play button. तो बताइएगा कैसा गा रहा हूँ मैं, ठीक है, राग गा रहा हूँ एक, कॉपीराइट ना दे दे YouTube हमारा प्यारा। Stop button selected. वन वन ढूंढन जाऊं, वन वन ढूंढन जाऊं, कितहू छिप गए कृष्ण मुरारी, कितहू छिप गए कृष्ण मुरारी, वन वन ढूंढन जाऊं। तो बताइएगा कैसा गाया, टेम्पो मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है, मुझे ये बढ़िया लगा, पिच भी मैंने अपने हिसाब से जो है यहाँ पर कर ली है। तो अब ये मेरा जो है एकदम सही से रियाज हो रहा है, बैक कर देता हूँ। तो इसी तरह से मैं रोज शाम को 15-20 मिनट रियाज करूंगा, मेरी आवाज़ मधुर हो जाएगी, और तो आप भी इसी तरह से कर सकते हो। ये म्यूज़िक में आपको बहुत काम आने वाला है, आप अपना किसी भी तरह का राग का यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट कर लीजिए आप और फिर बजाइए, फिर तो ऐसा लगेगा असली में बज रहा है, इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप अभी नहीं खरीद सकते हैं तो आप फ़ोन से ही काम चलाओ, इससे अच्छा ऐप मेरे को अभी तक नहीं मिला है म्यूज़िक की,
प्रैक्टिस करने के लिए। आपको कैसा लगा, मैंने कैसे गाया, वीडियो कैसी लगी, सब कुछ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सभी म्यूजिक लवर्स के साथ ये वीडियो शेयर होनी चाहिए। और मुझे तो ये वीडियो बनाने में पर्सनली बहुत मजा आया। सब्जी वाला आ चुका है, सब्जी ले लो भैया। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करो। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगे। कम्युनिटी टैब में एक्टिव रहो, आपका कोई भी सवाल हो तो यहाँ पर पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।